आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मारवाड़ी रीना किचन हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की चाट की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं चने की चाट बनाना। मैंने यहाँ 200 ग्राम चने लिए हैं और अब हम चनों को एक बड़े बर्तन में डालेंगे। बड़े बर्तन में डालने के बाद में इसमें डालेंगे हम 2 गिलास पानी, और पानी डालने के बाद में हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे चने डूब जाएं इतना पानी डालना है हमें। अब हम बर्तन का ढक्कन बंद कर देंगे और चनों को हम 6 से 7 घंटे तक इसी तरह पानी में भिगोकर छोड़ देंगे। 6-7 घंटे हो चुके हैं और 6-7 घंटे बाद में ये देखिए चने हमारे पानी में अच्छे से भीग चुके हैं। और आप इसको चाहो तो पूरी रात भी भिगोकर छोड़ सकते हो। और ये देखिए चने पानी में बिल्कुल भीगकर फूल चुके हैं। अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे और उस पर लगाएंगे छलनी और इस तरीके से सारा पानी इसका निकाल लेंगे। आप इस तरीके से झटपट से मुंबई स्टाइल में चाट बना सकते हो। फ्रेंड्स, चाट सबको बहुत पसंद आती है। आप इस तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इनको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए चने को हम कुकर में डालेंगे और उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, मैं यहाँ छोटा वाला गिलास यूज कर रही हूँ। और अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें 1 विसल आने देंगे। अब चाट के लिए हम मसाला तैयार करते हैं, तो मैंने लिया है यहाँ भुना हुआ जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। इन सभी को मैंने 1-1 चम्मच लिया है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही मिलेंगे हम 1 चम्मच नमक। अब इसमें लेंगे हम 1 चम्मच चाट मसाला, और चाट मसाला डालने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरीके से, और इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे फूलने देंगे। 2 मिनट तक हम इसको इसी तरह रखकर छोड़ देंगे। और ये देखिए कुकर में 1 विसल आ चुकी है। कुकर का प्रेशर जब कम हो जाएगा तब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। और ये देखिए कुकर का प्रेशर कम हो चुका है, और अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं। चने हमारे उबल चुके हैं। इनमें ज़्यादा सीटी नहीं दिलानी हमें, सिर्फ 1 ही सीटी दिलानी है। और ये देखिए चने इतने सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम वापस एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें छलनी लगाएंगे और इनका सारा पानी इस तरीके से निकाल लेंगे और चने हमारे छलनी में रह जाएंगे। आप चाट बना रहे हो तो चनों को एक बार प्रेशर कुकर में 1 सीटी जरूर दिला लेना। बॉईल किए हुए चने की चाट बहुत अच्छी बनती है। 2 लाल मिर्च को मैंने यहाँ बारीक कट कर लिया है, और 2 प्याज को बारीक कट कर लिया है, और 1 टमाटर को बारीक कट कर लिया, और कटा हुआ हरा धनिया, और ये जो मसाला बनाया था ना हमने, वो ये हमने मसाला लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच तेल। तेल यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे जीरा, और जीरा डालने के बाद में इसमें डालेंगे हम हींग। हींग को आप ज़रूर डालिए। हींग डालने के बाद में आप इसमें मसाला डालिए जो हमने पानी डाल के तैयार किया है ना, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और इन सभी में पानी डाल के अच्छे से मिक्सर जो बनाया है ना, वो मसाला ऐड करना है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक पकने देंगे। मसाला जब पक जाएगा तब इसमें डालेंगे हम बॉईल किए हुए चने, और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम धीमा रखेंगे और इसी तरह हम इसको 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। पर इसमें ध्यान रखें पानी इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 5 मिनट बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। और अब बनाते हैं हम मुंबई की फेमस चाट।
तो आइए सर्व करते हैं चाट को। अभी जो मसालेदार चने हमने तैयार किए हैं, अभी चाट पूरी बनके तैयार नहीं हुई है। अब इसमें डालेंगे हम कटे हुए बारीक प्याज और थोड़ा और ऐड करते हैं इसमें प्याज, और साथ ही में ऐड करेंगे कटे हुए बारीक टमाटर। चाट में फ्रेंड्स कच्ची प्याज बहुत अच्छी लगती है और टमाटर भी इसमें कच्चा अच्छा लगता है। और अब इसमें डालेंगे मिर्च, आप यहाँ पर हरी मिर्च ले सकते हो, मैंने रेड मिर्च ली है, जो इनका ग्रीन वाली मिर्च होती है ना वैसी रेड मिर्च का कलर है वो वाली मिर्च डाली है मैंने, और कटा हुआ हरा धनिया डाला है। और ये देखिए तैयार हो चुकी है हमारी मुंबई स्टाइल में चटपटी सी मजेदार सी चाट रेसिपी। फ्रेंड्स आप इस तरीके से झटपट घर पर चाट बना सकते हो, और आप इसमें नींबू का भी यूज कर सकते हो। आप इस तरीके से बनाइए और खाइए। यदि फ्रेंड्स आपको ये चाट बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें मारवाड़ी रीना किचन हिंदी। आल बटन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो कर लीजिए। थैंक यू।